हाय गाइस, पाइथन को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये चीजें ना ही आप लोगों को पाइथन सीखने के लिए मोटिवेट करेंगी, लेकिन आप लोगों को ये भी बताएंगी कि आप लोग पाइथन से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या आप पाइथन से कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आ गया अपने कंप्यूटर के अंदर और आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग पाइथन की मदद से बना सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फेवरेट एग्जांपल से, जो कि एक फ्लैपी बर्ड का गेम है, जो कि मैंने पाई गेम की मदद से बनाया है पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो मैं अगर ये फ्लैपी डॉट पाई को रन करता हूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो है चलने लग गया है। अगर मैं इसको आप लोग को चला के दिखाऊँ तो ये देखिए, मैं तो खेल रहा हूँ और ये फ्लैपी बर्ड एकदम है। ये पाइथन में हमने खुद लॉजिक लिखा हुआ है और मैं भी यहाँ पर खेल का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, चलूंगा अगले एग्जांपल की तरफ जो कि है एक वेबसाइट। सो गाइज, ये कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है, कोड विद हैरी की वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट रन करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगा। आप लोग सिर्फ मुझे खुद से रन करने दीजिए इस वेबसाइट को और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि मैंने ये काम कैसे किया। मैं प्रोग्राम्स को आईडी की मदद से रन करना पसंद करता हूँ, तो मैंने ये पाइथन आईडी खोली है। आईडी कुछ नहीं होता है, बस एक तरीका होता है हम लोगों के लिए कोड को अच्छी तरह देखने का और फास्टली एडिट करने का और सब चीजें एक साथ ऑर्गेनाइज करने का। मैं अपनी कोड विद हैरी वेबसाइट को एज अ पाइथन प्रोजेक्ट खोल रहा हूं और जैसे ही मैं ये करूंगा आप लोग देखिए, मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा और रन करके आप लोग को दिखाऊंगा कि ब्राउजर में ये वेबसाइट आप किस तरह खोल सकते हैं। सो गाइस, ये वेबसाइट है जो कि मैंने फ्लास्क की मदद से बनाई है और इस वेबसाइट को मैंने एज अ पाइथन प्रोजेक्ट खोल दिया। आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है मैंने इसको कैसे खोला, बस आप लोग ये देखिए, मैं इसको रन करूंगा और जैसे ही मैं रन करूंगा ये एक सर्वर बना देगा। ये देखिए, सर्वर का एड्रेस दे दिया है इसने मुझे। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये क्रोम ब्राउजर में मुझे ये स्टार्ट करके दिखा देगा वेबसाइट को। तो आप लोग देखिए, वेबसाइट मैंने पाइथन फ्लास्क की मदद से बनाई है और का पूरा बैकएंड पाइथन में लिखा हुआ है और ये वेबसाइट मैंने codewithhari.com पर होस्ट की हुई है, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, कमेंट्स ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें की हुई हैं, लॉग इन साइन अप सब कुछ है इसमें। तो आप लोग जाकर ज़रूर से विजिट करना कभी। लेकिन अभी मैं क्या है आप लोग को अपने अगले एग्जांपल पर लेके चलता हूँ जो कि मैंने पाइथन की मदद से बनाया हुआ है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ जो कि है एक स्नेक का गेम। तो मैं स्नेक के गेम को राइट क्लिक करके रन करता हूँ और आप लोग देखिए रन हो चुका है। स्नेक्स गेम तो आप में से सभी ने खेला होगा यार, हम लोग बचपन में मोबाइल में खेलते थे, लेकिन ये इस बार मैंने पाइथन की मदद से बनाया है। अब देखिए, मैं स्पेस बार से स्टार्ट कर रहा हूँ, म्यूजिक व्यूजिक सब डाला हुआ है मैंने और एकदम स्नेक गेम चल रहा है और यहाँ पर इसमें हाई स्कोर फंक्शनैलिटी भी है और जैसे ही आप दीवार में टकरा जाते हैं तो ये फट जाता है। तो उसी के साथ साथ इसी चैनल पर मैंने एक ब्लॉग बनाना सिखाया हुआ है पाइथन की मदद से और वो मैंने होस्ट किया हुआ है thecodingthunder.com पर। तो आप लोग thecodingthunder.com पर जा सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ, मैंने इसको गिटहब पे भी होस्ट किया हुआ है, तो मैं गिटहब का लिंक भी जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी हमारा फोकस है पाइथन की बेसिक्स को सीखना, तो चलते हैं और पाइथन को सीखते हैं। तो इसीलिए जो है मेनली हम पाइथन पे फोकस करते हैं, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए था। हम पाइथन को यहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एकदम इंस्टॉलेशन के साथ और इन सब चीज़ों पर बहुत जल्दी आएंगे। सो गाइस, ये थी सारी चीजें जो कि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से बनाई और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आप लोग पाइथन से ये सब कुछ कर सकते हैं। अब इस वीडियो सीरीज को पूरा देखने के बाद आप लोगों को ये सारी चीजें बनाना आ जाएंगी और अगर नहीं आएंगी तो आप लोगों को पाथवे पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। अब अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप लोग वो सारी सीरीज देखते हैं जिसमें मैंने गेम बनाया हुआ है पाइथन की मदद से, या फिर मैंने मशीन लर्निंग सिखाई हुई है, या फिर मैंने पाइथन क्लास से ब्लॉग बनाया हुआ है, तो हम लोग बहुत ही इजीली फॉलो कर पाएंगे। लेकिन पाइथन के बेसिक सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूं कैसा फील होता है जब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होता कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब देखो, मैं एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान हो, मुझे आपसे कोई बात कहना है, अपनी किसी भावना को व्यक्त करना है, तो मैं एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जिसका नाम हिंदी है। यह भाषा इंग्लिश भी हो सकती थी, यह भाषा कुछ और भी हो सकती थी। इसी तरह अगर आप लोगों को कंप्यूटर से बात करनी है तो आप लोगों को कंप्यूटर को वो भाषा बतानी होगी जो वो समझता है। अब क्या है कि हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है पाइथन C++ जावा, ये सारी लैंग्वेजेस समझता है कंप्यूटर। अब आप ऐसा कई लोग कहेंगे कि यार मैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करूं कंप्यूटर से, मैं क्यों लिखूं पाइथन, मैं क्यों लिखूं सी, मैं क्यों लिखूं C++। तो इसका जवाब ये है कि आप लोग को लिखना पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं हुई है, इतनी आगे नहीं गई है टेक्नोलॉजी की आप लोग बिना इन सब चीजों का प्रयोग करें कंप्यूटर को वो चीज व्यक्त कर दो जो कि आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके व्यक्त करते हो। इसीलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम की एक फील्ड है जो कि इस पर काम कर रही है कि कंप्यूटर को किस तरह नेचुरल लैंग्वेज समझाई जाए। क्योंकि अगर कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज समझ गया और किसी भी तरह से हम लोग कुछ ऐसा कर बैठे कि डायरेक्टली हम हार्डवेयर से बात कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, तो सच्ची कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में भी, तो हम लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो चलो यार, आते हैं पाइथन की तरफ वापस और बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को क्यों सीखनी चाहिए। अब ये प्रोग्रामिंग
क्या होती है। अब ये प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है और हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक कैलकुलेटर का। मान लो कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है और वो कैलकुलेटर क्या करता है आपके लिए, जोड़ता है, घटाता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है। वो कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है और वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किया हुआ है ताकि हम लोग हार्डवेयर से बात कर सकें कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, यूजर के इनपुट को समझ सके। आप लोगों ने वन दबाया, प्लस दबाया, टू दबाया, इक्वल्स दबाया, तो वो तीन आप लोगों को दिखाए। तो ये चीज कंप्यूटर को वेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग का। अब ये काम इंसान भी तो कर सकता है। अब जैसे कि आप लोगों ने कैलकुलेटर के एग्जांपल में सुना कि ये चीजें जो इंसान है वो थोड़ा टाइम लगा के करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 डिजिट नंबर से एड या मल्टीप्लाई करना चाहूं तो कंप्यूटर उसको बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा और जो इंसान है वो करता ही रह जाएगा। और कुछ कुछ चीजें इंसान के लिए इम्पॉसिबल भी हो जाती है क्योंकि वो उसको सालों लगते हैं करने में और कंप्यूटर जो है मिनटों में कर देता है। अब मान लीजिए कि आप लोग एक ऑफिस संभालते हैं, आप लोग एक बिजनेस संभालते हैं और उस बिजनेस में आप लोग को अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग रिसीप्ट जो है वो प्रिंट करनी पड़ती है और उस रिसीप्ट में सिर्फ उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस और ये सब चीजें चेंज होती हैं। आप लोग एक टेम्पलेट बना सकते हैं और एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं जिससे कि आप लोग सिर्फ नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और जो भी चीजें इनपुट आप लोग देना चाहते हैं जैसे फोन नंबर वगैरह, और जैसे आप एंटर दबाएंगे तो उस कस्टमर की रसीद जो है वो निकल जाएगी। तो आप लोगों ने जो 2-3 पेज की टेम्पलेट है वो एक बार बनाई, लेकिन उससे आप लोगों ने अपने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के लिए मिनटों में भी नहीं यार, सेकंडों में आप लोगों ने उसके लिए रिसीप्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये है पावर प्रोग्रामिंग। तो यार देखो, जो टास्क होते हैं, कोई भी काम जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो इन तरह के हो सकते हैं। एक तो ये ऐसा टास्क हो सकता है जो कि कंप्यूटर के लिए आसान हो, इंसान के लिए मुश्किल हो। एक ये हो सकता है जो इंसान के लिए ईजी हो और कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो। ऐसे में आती है कि किसी भी एक फोटो में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और वो सारी चीजें जो है कंप्यूटर के लिए मुश्किल होती है आज की तारीख में, क्योंकि इंसान की भी यार अपनी कैपेबिलिटी है, वरना अगर कंप्यूटर इंसान से अच्छा हो जाएगा तो कंप्यूटर इंसान को रिप्लेस ही कर देगा। तो इंसान अपनी जगह अच्छा है, कंप्यूटर अपनी जगह अच्छा है। हम क्या चाहते हैं एज इंसान कि हमने कंप्यूटर को बनाया है, हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर की वो चीजें जो है यूज कर लें जो कि कंप्यूटर अच्छी कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे और हम लोग पाइथन को ये सारी चीजें करने में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी जो कि मिलियंस, बिलियंस और पता नहीं ट्रिलियन डॉलर कंपनी खड़ी हुई है, वो लोग पाइथन को यूज कर रही है। जैसे कि इंस्टाग्राम में वो यूज करता है पाइथन को बैकएंड में, इसी तरह गूगल और फेसबुक भी करता है पाइथन को बैकएंड में इस्तेमाल, और ये जो यूट्यूब है वो इस्तेमाल करता है कस्टम स्क्रिप्ट्स लिखने में। जैसे मान लीजिए इसको किसी दिन बहुत सारे जितने भी लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसकी लिस्ट प्राप्त करनी है, तो ये कस्टम स्क्रिप्ट लिख देगा और उसको किसी सर्वर में रन कर देगा और इसको वो मिल जाएंगे। अब इस तरह के टास्क जो छोटे छोटे होते हैं वो पाइथन में लिखना आसान होता है और रन भी बहुत फास्ट होते हैं। इसी तरह इंटेल, IBM, पिक्सर, नासा, JPMorgan Chase, पता नहीं तरह तरह की कंपनी पाइथन को यूज करती है। इनफैक्ट सवाल ये नहीं है कि पाइथन को कौन यूज करता है, सवाल ये है कि पाइथन को यूज कौन नहीं करता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम लोग पाइथन क्यों यूज करें। अब पाइथन की मैं थोड़ी यहाँ पर तारीफ करता हूँ कि क्यों मैंने पाइथन को चुना है, क्यों मैं बताता हूँ लोगों को कि पाइथन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज करें। नंबर एक, पाइथन ईजी है। नंबर दो, AI और ML जैसा स्टफ करने में पाइथन बहुत आसान है। नंबर तीन, ये लैंग्वेज एकदम कंप्लीट है हर एस्पेक्ट में। और नंबर चार, जो कि हम में से कई लोगों का फेवरेट होता है, कि इसमें बहुत हाई सैलरीज है क्योंकि यार काम बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत आसानी से हो जाता है पाइथन की मदद से और कंपनी बहुत ज्यादा इसको प्रीफर कर रही है आजकल, और आज से 5-10 साल तक तो ये कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए आप लोग इसको सेफली सीख सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताकर बोर नहीं करूंगा कि पाइथन को आज से 28 साल पहले गुइडो वॉन रोसन नाम के आदमी ने 1991 में इसका पहला वर्जन निकाला था, ये सब बता के मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को ये भी नहीं बताऊंगा कि ये ABC लैंग्वेज की सक्सेसर के तौर पर बनी थी और 16 अक्टूबर 2000 को पाइथन 2 रिलीज की गई थी। उसी तरह पाइथन 2 के कुछ डिसएडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए 3 दिसंबर 2008 में पाइथन 3 को रिलीज किया गया था। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बोर नहीं करने वाला हूं, कि जो हमारे गुइडो रॉन मौसम भाई थे वो मोंटी पाइथन सर्कस नाम का एक शो देख रहे थे और उस शो को देखते देखते जब उन्होंने लैंग्वेज का नाम चूज करने की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा नाम रखूंगा जो कि लोगों को मिस्ट्री में छोड़ दे, लोगों को सोच में छोड़ दे कि यार इसका नाम ये क्यों रखा है। तो उन्होंने उस शो से इंस्पायर होते हुए इसका नाम पाइथन रखा, क्योंकि उस शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस और उन्होंने उस पाइथन वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। बहुत ही शातिर आदमी थे गुइडो वॉन रोसन। अब यार ये तो हो गया प्रोग्रामिंग के बारे में, पाइथन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर पे चलेंगे और पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें जो हमें इंस्टॉल करनी है। शुरू में अगर आप लोग बिगिनर है पाइथन के, मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि आप लोगों को लेनी चाहिए पाइथन सीखने में। मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा, तरह तरह की चीजों से मैंने सीखा, और आज की तारीख में क्या चीज रिलेवेंट है, आप लोगों को कैसे करनी चाहिए प्रोग्रामिंग, कौन सा आपको IDE यूज करना चाहिए, क्या क्या आप लोगों को
अपने कंप्यूटर में डालने की जरूरत है और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप पाइथन लर्न कर रहे हैं। तो अगले वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वहां से ये ट्यूटोरियल सच में स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के बारे में बताया। अब आप में से कई लोगों में वो सोच रहे होंगे यार इस वीडियो में जो बताया वो तो यार मुझे पहले से मालूम ही था। तो यार मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था मैं जीरो से स्टार्ट करते हुए आप लोग को एक ऐसी लेवल पर लेकर जाऊंगा कि आप लोग को भी अपने आप पर प्राउड फील होगा। तो आप लोग सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर बने रहें और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। सो इस वीडियो को अगर आप लोग को वीडियो किसी भी तरह अच्छा लगता है उसको लाइक कर दो और मैक्सिमम लाइक आप लोगों को कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस को अपलोड करूं। ये जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया है इसी वजह से मैं इतनी तेजी से सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और मैं रुकूंगा नहीं, मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।